हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू दी चैनल फ्रेंड्स आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज एट सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स कॉर्ड इज ट्वेल्व सेंटीमीटर फाइंड द रजिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ठीक है इसमें हमें क्या पूछ रहा है इसमें हमें ये पूछ रहा है कि एक हमें सर्कल है हमारे पास ठीक है तो हम साथ, साथ में क्या करेंगे फिगर भी बनाते जाएंगे क्योंकि ये सर्कल चैप्टर का है क्वेश्चन तो हम इसके साथ ही फिगर भी बनाएंगे तो यहाँ पर मैंने फिगर बनाया है जो कि सर्कल है यहाँ पर हमें गिवन है कि जो रेडियस है सर्कल का वो एट सेंटीमीटर है तो हम मान लेते हैं कि चलो हम जो सेंटर है सर्कल का उसको हम ओ ले लेते हैं और जो रेडियस है उसको ओ ए रेडियस के लेंथ कितनी है एट सेंटीमीटर ठीक है तो हम यहाँ पर गिवन में भी लिखते जाएंगे ताकि हमें ईजी हो आइडेंटिफाई करने की कि हमें क्या प्रूफ करना है क्या फाइंड करना है और क्या हमें गिवन है तो गिवन हमें ये है कि ओ ए जो है वो एट सेंटीमीटर है अब आप बोलोगे कि भाई ओ ए तो क्वेश्चन में कभी कहीं आया ही नहीं है तो हमने ओ ए जो है वो मान लिया है ठीक है हमने सपोज कर रखा है इमेजिन कर रखा है कि ओ ए जो है वो चलो रेडियस है ठीक है आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं लेकिन आपको वैल्यू चेंज नहीं करनी है वैल्यू जो तो गिवन है जैसे कि रेडियस की या वैल्यू एट गिवन है तो हमें एट ही रखनी होगी अगर आप एट की जगह सेवन रख देंगे सिक्स रख देंगे तो ये क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा ठीक है लेकिन हम नेमिंग कुछ भी कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो अगर क्वेश्चन में गिवन होगी पहले से ही नेमिंग या फिर फिगर गिवन होगा पहले से ही तो हम नेमिंग उसकी चेंज नहीं कर सकते हैं अब यहाँ पर देखिए ओ ए जो है एट सेंटीमीटर अब यहाँ पर गिवन है कि एक जो कॉर्ड है सर्कल के अंदर जो कॉर्ड है एक उसकी लेंथ कितनी है ट्वेल्व सेंटीमीटर तो यहाँ पर कॉर्ड क्या होता है कॉर्ड वो लाइन होती है जो कि जिसके दोनों एंड्स सर्कल की जो बाउंड्री होती है इसमें जाकर मिलते हैं ठीक है तो मैं यहाँ पर एक कॉर्ड बना लेता हूं मैंने कॉर्ड बना लिया है कुछ ऐसा ठीक है यहाँ पर मैंने नेमिंग कर दी है ए बी तो ए बी जो है हमारा कॉर्ड है और कॉर्ड की लेंथ कितनी है ट्वेल्व सेंटीमीटर ठीक है तो ए बी यहाँ पर लिख देते हैं ट्वेल्व सेंटीमीटर अब यहाँ पर देखिए अब हम ओ बी को चलो मिला लेते हैं ज्वाइन कर लेते हैं अब मैं आपसे पूछता हूं कि भाई ओ ए की हमें वैल्यू पता है ए बी तो की वैल्यू पता है तो ओ बी की वैल्यू क्या होगी ओ बी जो है लाइन उसकी लेंथ कितनी है अगर आपको पता है तो जल्दी कमेंट बॉक्स में जाइए और यहाँ बताइए जिसको नहीं पता है मैं उसको बता देता हूँ देखो ओ ए जो है वो हमारा रेडियस है और जो ओ बी है वो भी हमारा रेडियस है क्यों क्योंकि जो ओ बी है उस लाइन का जो दोनों पॉइंट्स है वो एक सेंटर में है और एक बाउंड्री में है इसका मतलब ये जो है ये रेडियस है ठीक है तो ओ बी जो है हमारा रेडियस है तो रेडियस की यहाँ लेंथ क्या है कितनी गिवन है एट गिवन है तो इसका मतलब जो ओ है हमारी वो भी कितनी है एट सेंटीमीटर की है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ओ जो है वो एट सेंटीमीटर की है अब यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये पूछ रहा है कि भाई कॉर्ड से सेंटर तक का डिस्टेंस बताइए कितना है तो हमारे पास कॉर्ड कौन सा गिवन है ए बी तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है ठीक है मतलब यहां पर जो है ओ और यहां पर हम नेमिंग कर देते हैं चलो सी तो ओ सी कितना है यहां पर हमें पूछ रहा है टू फाइंड कि ओ सी हमारा कितना है ठीक है ओ सी अब यहाँ पर सिंपल सा फंडा लगेगा ठीक है सिंपल सा हमें यह क्या करना होगा सॉल्यूशन लिख देते हैं यहां पर देखिए जो हमारे पास ट्राइंगल है उसके तीनों साइड्स हमें पहले से ही पता है तो हम इसका एरिया निकाल लेंगे अब आप बोलोगे एरिया के लिए हाइट चाहिए होती है लेकिन यहाँ हाइट तो गिवन ही नहीं, नहीं है हाइट तो हमें खुद फाइंड करनी है तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि क्लास नाइन्थ में एक चैप्टर है जिसका नाम है हिरॉन्स फार्मूला जहाँ दोस्तों हिरॉन्स फार्मूला से हम इसका जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेंगे ठीक है हिरॉन्स फार्मूला का यूज करके हम इसका एरिया निकालेंगे ट्राइंगल का तो हीरो फॉर्मूला क्या कहता है हीरोन्स फॉर्मूला का फार्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी ठीक है तो यहां पर एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और ए बी और सी का रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहां पर जो हमारा एस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है साइड साइड का जो सेमी पैरीमीटर निकलेगा हमारे पास वो एस रिप्रेजेंट कर रहा है अब सेमीपेरीमीटर क्या होता है सेमीपेरीमीटर अपने पैरीमीटर तो जानते होंगे सभी क्या होता है तो पैरीमीटर का आधा हमारे पास सेमीपेरीमीटर होता है ठीक है जिसको हम एस से डिनोट करते हैं और जो ए बी और सी है वो दोनों अलग अलग साइड्स है ठीक है अलग अलग साइड्स का मतलब है ट्राइंगल की जितनी तीनों साइड्स है वो है तो यहाँ पर एस की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी यहाँ पर हमारे पास तीनों साइड्स कितनी है ओ ए हमारे पास एट है ए बी हमारे पास ट्वेल्व है और ओ बी हमारे पास एट है ठीक है तो यहाँ पर हम सिंपली इसका क्या निकालेंगे पैरीमीटर फिर उसको आधा कर लेंगे इसका पैरीमीटर कितना है तो पैरीमीटर इसका एट प्लस एट कितना होता है सिक्सटीन सिक्सटीन प्लस ट्वेल्व होता है हमारा ट्वेंटी एट तो ट्वेंटी एट यहाँ पर हमारा पेरीमीटर आ गया तो 28 अपॉन 2 करेंगे तो हमारा सेमी पेरीमीटर निकल जाएगा तो हमारा सेमी पेरीमीटर कितना होगा 14 तो हमारा 14 सेंटीमीटर जो है वो हमारा सेमी पेरीमीटर हो जाएगा तो यहाँ पर हम 14 इसकी जगह रख देते हैं और यहाँ पर इसको रख देते हैं ठीक है माइनस एक का क्या है पहली साइड 8 ठीक है फिर दूसरी हमारी 14 12 फिर जो तीसरी है हमारी वो है माइनस एट ठीक है मतलब तीनों हमें साइड रख देनी है अब यहाँ पर इक्वल टू लगाओ और यहां पर फोर्टीन रख दो ठीक है अब यहाँ पर क्या है ऐसे करो फोर्टीन माइनस एट कितना होता है फोर्टीन माइनस एट होता है हमारा सिक्स और यहाँ पर बीच में क्या होगा बीच में होगा हमारा मल्टीप्लाई का साइन ठीक है यहां पर फोर्टीन माइनस ट्वेल्व कितना होता है टू और यहाँ पर फोर्टीन माइनस एट कितना होता है सिक्स ठीक है हाँ तो अब यहाँ पर हमारे पास आया है यहाँ पर ये फॉर्मूला थोड़ा सा गलत हो गया है ठीक है यहाँ पर जो स्क्वायर रूट है वो यहाँ से होगी ठीक है वो पूरा कवर करेगी यहाँ ऐसे होगी ठीक है यहाँ पर जो स्क्वायर रूट है वो इसका फार्मूला ये होता है ठीक है पहले मैंने गलती से स्क्वायर रूट जो थी वो यहाँ लगा दी थी ठीक है इसका करेक्ट फॉर्मूला ये है तो यहाँ पर हमारे पास क्या है फोटीन इंटू सिक्स इंटू टू इंटू सिक्स अब इसको स्क्वायर रूट निकालनी है हमें इसकी ट्रिक बताता हूँ मैं आपको फोटीन का को तोड़ो सेवन इंटू टू हो जाएगा इंटू सिक्स इंटू टू इंटू सिक्स अब जो नंबर दो दो बार है उनको केवल एक बार स्क्वायर रूट से बाहर निकाल दो ठीक है केवल एक डिजिट में अब मैं इसके आगे का यहाँ लिख देता हूँ ठीक है इज इक्वल टू सेवन इंटू टू इंटू सिक्स इंटू टू इंटू सिक्स अब यहाँ पर मैंने आपसे क्या बोला दो नंबर जो एक जैसे है उनको एक नंबर बाहर निकाल दो जैसे कि सिक्स यहाँ पर दो है तो एक बाहर निकाल दिया और फिर इंटू का साइन लगा दिया फिर टू लिख दिया क्यों क्योंकि यहाँ पर टू भी तो दो बार है तो हमने एक बाहर रखा और एक को हमने गायब कर दिया ठीक है जो दो नंबर है उसको एक को रखो और एक को हटा दो अब अंदर कितना बचा केवल सेवन बाहर क्या हो गया सिक्स टूजा ट्वेल्व और यहाँ पर हमारा हो गया रूट सेवन ठीक है तो यहाँ पर हमारे जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो कितना आ गया ट्वेल्व रूट सेवन सेंटीमीटर का स्क्वायर ठीक है तो ये हमारा आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल अब जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो मेन फार्मूला होता है जो कि होता है हमारा हाफ बेस इंटू हाइट अब हम उसको लगाएंगे ठीक है उसको कैसे लगाएंगे तो ट्वेल्व रूट जो हमारा है पहले एरिया पर लिख देते हैं ट्वेल्व रूट सेवन सेंटीमीटर का स्क्वायर ओके अब यहां पर मैं रख कर देता हूं इसको अब यहां पर देखिए ट्वेल्व रूट सेवन ठीक है तो यहां पर हमारा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है दूसरा वाला हाफ फेस इंटू हाइट ऐसे लिख दीजिए अब यहाँ पर हमें हाइट ये हाइट गेवन नहीं है बेस तो गिवन है तो बेस लिख दो बेस कितना है बेस है यहाँ पर ट्वेल्व ठीक है हाइट कितनी है गिवन नहीं है तो इसको एच ऐसी छोड़ दो ट्वेल्व रूट सेवन अब यहाँ पर हम इसको काट लो सिक्स हो जाएगा अब हाइट को यहाँ रखो सिक्स को इस तरफ भेज दो अगर हम सिक्स को इस तरफ भेजेंगे तो वो क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा तो यहाँ पर भी कट हो जाएगा तो हाइट हमारी कितनी आ गई टू रूट सेवन सेंटीमीटर की हमारी हाइट आ गई ठीक है अब हाइट हमारी ये आ गई तो लेकिन अब रूट सेवन हमें फाइंड करना पड़ेगा ठीक है रूट सेवन हमें फाइंड करना पड़ेगा और फाइंड करके जो रूट सेवन की वैल्यू आ रही है ठीक है रूट सेवन की जो वैल्यू होती है वो होती है टू पॉइंट सिक्स फोर फाइव ठीक है ये क्या होती है रूट सेवन की वैल्यू होती है हमेशा याद रखना रूट सेवन की वैल्यू जो होती है वो होती है टू पॉइंट सिक्स फोर फाइव ठीक है आप फाइंड भी कर सकते हैं तो यहाँ पर हमारी हाइट कितनी हो गई टू इंटू यहाँ पर रूट सेवन की जगह हम ये लिख देंगे तो ठीक है तो हमारी हाइट जो है वो हो गई हमारी फाइव पॉइंट टू नाइन वन सेंटीमीटर ठीक है मतलब हमारी जो हाइट है वो यहाँ पर हमने निकाल ली है ठीक है हाइट क्या हमने निकाल लिया और वही हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था हाइट हमने क्या मानी थी हमने हाइट जो है वो ओ सी मानी थी ठीक है ओ जो थी वो हमारी हाइट थी और क्वेश्चन यही तो पूछ रहा था कि भाई डिस्टेंस कितना है कॉर्ड और सेंटर के बीच में मतलब ओ से सी तक के तो यहाँ पर हमारी जो ओ है वो हाइट के इक्वल है इसका मतलब जो हमारी ओ है ठीक है ओ है वो हमारी 5.291 सेंटीमीटर है हमने फाइंड कर लिया तो आज के क्वेश्चन में दोस्तों बस इतना ही आज का क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व ऐसी अगर आपको हर चैप्टर के हर क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन चाहिए तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले